कि आपको दे देते, राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। दो बच्चों समेत 11 डेंगू के नए केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। लोक बंधु अस्पताल में डेंगू से पीड़ित दो बच्चे भर्ती बताए जा रहे हैं। बलरामपुर में दो केस ऐसे हैं जो कि सिविल अस्पताल में दो केस बताए जा रहे हैं, तो 5 केस प्राइवेट अस्पताल में डेंगू के मरीज मिले हैं। तो कुल बलरामपुर में 2 और सिविल अस्पताल में 2 केस मिले हैं, 5 केस प्राइवेट अस्पताल से सामने आए हैं। तो लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की चिंता भी अब देखने को मिल रही है, क्योंकि राजधानी में जिस तरीके से डेंगू ने अपना प्रकोप बनाए हुआ है, दो बच्चों समेत 11 डेंगू के नए केसेस अभी तक मिल चुके हैं। लोक बंधु अस्पताल में डेंगू से पीड़ित दो बच्चे भर्ती किए गए हैं, जबकि बलरामपुर में 2 केस सामने आए हैं। वहीं से सिविल अस्पताल में भी 2 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, 5 केस प्राइवेट अस्पतालों से भी पुष्टि की गई है। तो डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और डेंगू का प्रकोप अभी बरकरार है, और ऐसे में लगातार प्रशासन की चिंता अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेंगू से कई बच्चों की अभी तक जाने भी जा चुकी है, तो वहीं अभी कई और नए बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। तो लोकबंधु अस्पताल में जहां 2 बच्चों की पुष्टि हुई है कि डेंगू से पीड़ित है वो, वहीं बलरामपुर में भी और सिविल अस्पताल में भी 2-2 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 5 केस मात्र प्राइवेट अस्पताल से सामने आए हैं। तो लखनऊ से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। अब ऐसे में प्रशासनिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासन भी सख्ते में है, क्योंकि लोक बंधु अस्पताल में जिस तरीके से डेंगू पीड़ित दो बच्चे अभी हाल फिलहाल में भर्ती किए गए, बलरामपुर में 2 केसेस सामने आए, सिविल अस्पताल में 2 केसेस सामने आए हैं, वहीं 5 केसेस प्राइवेट अस्पताल के भी बताए जा रहे हैं जो कि डेंगू के मरीज वहां पाए गए हैं। तो डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि कोशिश लगातार की जा रही है कि इस प्रकोप को दूर किया जाए।